Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. नाले के रास्ते सुरंग बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले ग्रोह को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के लिए इन तीनों को तलाश करना ऐसा था जैसे भूसे के ढेर से किसी बारीक सुई को तलाश करना। ऊपर से व्यापारी संघ के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर लगातार दबाव बनाया हुआ था। वहीं जब मामला डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तक पहुंचा तो पुलिस दिन रात एक करके काम करने के लिए बाध्य हो गई। आपको बता दें, इन तीनों की तलाश एक ऑटो चालक के जरिए की गई है, वो ऑटो चालक जिसके जरिए ये अपने मन माफिक इलाके तक पहुंचते थे। ये तीनों बुलंदशहर के रहने वाले हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन तीनों ने बुलंदशहर में चोरी की वारदात को अंजाम ना देकर यहाँ मेरठ में आकर क्यों अंजाम दिया। इन्होंने पुलिस पूछताछ में बताया कि इनको लगता था अगर ये अपने इलाके में चोरी की वारदात को अंजाम देंगे या फिर किसी भी घटना को अंजाम देंगे तो वहाँ पर पकड़े जाना आसान हो जाएगा, इसलिए इन्होंने मेरठ को चुना। इन तीनों के नाम यामीन, सबील और अमित हैं। इन्होंने बताया कि इनमें से यामीन के पास काफ़ी कर्जा था। उस कर्जे को चुकाने के लिए उसने चोरी करना सही समझा। उसने सोचा अगर वो चोरी कर लेगा तो सारा कर्जा एक साथ ही निपट जाएगा, इसलिए उसने सोशल मीडिया के जरिए तरह तरह के पब्लिक ऐप पर, यूट्यूब पर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के तरीके ढूंढे और उसको समझ आया कि वो किस सर्राफ में जाकर किसी भी चोरी की घटना को अंजाम दे सकता है, और ऐसी जगह जहाँ नाला गुजर रहा हो। उसने नाले का इस्तेमाल किया सुरंग बनाने के लिए। बता दें, सबसे पहले उन्होंने गढ़ रोड स्थित प्रिया ज्वेलर्स को अपना निशाना बनाया था, लेकिन उनकी बदकिस्मती रही वो वहाँ पर चोरी की वारदात को अंजाम नहीं दे सके। गलती से उनकी सुरंग जाकर बगल में स्थित आयुर्वेदा क्लिनिक पर पहुँची। उसके बाद उन्होंने आयुर्वेदा क्लिनिक से किसी तरह प्रिया ज्वेलर्स को निशाना बनाया, लेकिन जैसे ही अमित वहाँ पहुँचा उसने वहाँ पर जाकर वॉशरूम का जो टैप होता है उसको ओपन कर दिया, जिसके बाद वहाँ पर जो लोग सो रहे थे, प्रिया ज्वेलर्स में लोग सो रहे थे, उनकी आवाज़ खुल गई। उसको नहीं पता था यहाँ पर कोई मौजूद भी है, जिसके बाद वो अपना सारा सामान वहीं छोड़कर वहाँ से रफा दफा हो गए। 20-25 दिन वो शांत रहे और उसके बाद उन्होंने अंबिका ज्वेलर्स को अपना निशाना बनाया, जहाँ पर सुरंग बनाने के लिए उनको 3 दिन का पूरा समय लगा। अंबिका ज्वेलर्स में जब उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया तो पता चला कि 13 लाख का उन्होंने नकदी, सोना और चांदी वहाँ से चोरी कर लिया है। चोरी की बड़ी वारदात हुई तो पूरा व्यापार संघ एक साथ इकट्ठा हो गया और प्रदर्शन पर उतर आया। पुलिस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। उनका कहना था यदि रविवार तक चोरों की तलाश नहीं की जाती है तो वो बड़ा एक्शन लेंगे, जिसके बाद पुलिस ने दिन रात एक करके 35 लोगों की टीम बनाई और 150 कैमरे खंगाल डाले। उन कैमरों में पुलिस को वो ऑटो चालक मिला जिसके जरिए ये अपने मन माफिक इलाके तक पहुँचते थे। पुलिस ने उस ऑटो चालक को पकड़ा। उसने बताया कि वो उन लोगों को लिसाड़ी गेट तक छोड़कर आया है। बता दें, ये लोग लिसाड़ी गेट के एक मकान में किराए पर रहते थे। चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद ये लोग सीधा बुलंदशहर की ओर रवाना हो गए। गौतम बुद्ध नगर पहुंचकर इन्होंने कुछ चांदी को जाकर पिघलवाया और कुछ को बेच दिया, जिसके बाद पुलिस ने इनके पास से 2 लाख रुपये बरामद कर लिए हैं। साथ ही उस सर्राफ की भी छानबीन की जा रही है जहाँ पर इन्होंने बाकी का सोना चांदी बेचा है। पिछले 2.5 माह से जनपद के जो शहर के हमारे 2 थाना क्षेत्र हैं वहाँ पर नाले के पास सुरंग बनाकर और कुछ जो हमारे आभूषण बेचने वाले जो दुकानें हैं उनमें चोरी का प्रयास और एक दुकान में चोरी की गई थी और जिससे कि कुछ सामान भी वहाँ से गया था। इस पूरे प्रकरण में जो है 25 से अधिक पुलिसकर्मियों की जो टीमें हैं वो लगाई गई थी और इनके द्वारा जो CCTV देखे गए, लगभग 100 से अधिक CCTV फुटेज का इसमें देखा गया। लगभग पूरे एक हफ्ते तक लगातार ही दिन रात CCTV फुटेज देखे गए और उसके बाद सर्विलांस की मदद से और मैनुअली इसमें कार्य किया गया, जिसमें कि 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें यामीन पुत्र दीवान खां जो बादशाहपुर थाना ककोड़ जिला बुलंदशहर का रहने वाला है, साथ में सबील पुत्र दीवान खां, ये इसका भाई है, ये भी थाना ककोड़ जिला बुलंदशहर का रहने वाला है, और तीसरा व्यक्ति अमित उर्फ डैनी पुत्र ओमकार उर्फ ओमकार, ये फतेहपुर मकरंदपुर थाना ककोड़ जिला बुलंदशहर का रहने वाला है, और ये विगत कुछ माह से हमारे थाना लिसाड़ी गेट के अंतर्गत किराए के मकान में रह रहे थे और ये इनके द्वारा ये सारी घटनाएं ये इसमें की गई हैं। और जो बरामदगी है इसमें 3 सिल्ली सफ़ेद धातु जिसमें चांदी के आसपास 1 किलो 800 ग्राम, 2 लाख रुपये नकद और इनके द्वारा जो उपकरण प्रयोग में लाए जा रहे थे जिसमें कि गैस कटर, ग्राइंडर, लोहे के सब्बल, हथौड़ा, जैक और खुरपी, DVR जो दुकान से DVR भी गया था और जो गैस सिलेंडर थे इनके द्वारा वहीं पे जो नाला है, चौड़ा सा नाला है जिससे ये घटना इन्होंने की थी वहीं पर पानी के अंदर फेंक दिया था, जिनके इनकी निशानदेही के आधार पर इनको सामान को भी बरामद किया गया है। एक और चीज़ निकल के आई कि ये घटनास्थल पे सॉरी वगैरह इस तरह की चीज़ें लिख के छोड़ते थे,
क्योंकि इनको ये लगता था कि अगर ये इसी तरह की घटना अगर हमारे घरों में होगी तो हमको भी जिस तरह से बुरा लगेगा, इसी तरह से जो संभवतः जिसके यहाँ चोरी कर रहे हैं उनको भी बुरा लग रहा हो। इस पूरी वारदात को जानने के बाद आपको क्या लगता है, इस तरह के जो सोशल मीडिया ऐप्स पर ये चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के लिए तरह तरह के तरीके बताए जा रहे हैं, क्या इनको बैन करना चाहिए? कमेंट्स करके जरूर बताएं। मैं आपके साथ निलोफर अंसारी, आप देख रहे थे फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।